कक्षा छह में हमने दूसरा पाठ पढ़ लिया था, उसके बाद में उसके चार प्रश्न भी कर लिए थे वचन के अनुसार, एक वचन द्विवचन बहुवचन वाला जो प्रश्न था वहां तक हमने कर लिए थे। उसके बाद में अगला पांचवा प्रश्न है वो हम आज करेंगे। पांचवें प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत्, ये कह रहे हैं कोष्ठक से उचित शब्द यानी सही शब्द चित्वा यानी ढूंढ करके वाक्यम पूरयत् यानी वाक्य को पूरा करिए, इस कोष्ठक में से सही शब्द जो है वो लेकर के हमें ये खाली स्थान जो है वो भरने हैं। इसमें पहला वाक्य है बालिका पठती, जैसे उसमें दो शब्द इसने दे रखे हैं तो बालिका एक वचन है तो अपन उसके साथ लगाएंगे पठती। तो वैसे ही अगला जो क है उसमें क्या लगाएंगे, चरता है, चरती, चरता है, चरंती, द्विवचन है, चरता है, तो इस वाक्य इसमें कोष्ठक में जो द्विवचन है वो द्विवचन हम इस खाली स्थान में भर देंगे। तो कोष्ठक में द्विवचन कौन सा है, कोष्ठक में द्विवचन है अजय, अजय चरत है, यहाँ पे मैंने लिखा है क में लिखना है अजय, अजय चरत है। अगला है ख, वो संति आई है तो संति बहुवचन है, तो कोष्ठक में जो भी शब्द बहुवचन है वो हमें इसमें लिखना है, संति के आगे में क्या लिखना है, द्विचक्री के द्विवचन है और द्विचक्री कहा बहुवचन है तो हम उसमें लिख देंगे द्विचक्री कहा। अगला है खे के बाद में है गे, चलती, चलती एक वचन है तो एक वचन में हम क्या लिख देंगे, नौका चलती, हम लिख देंगे गे में नौका चलती। घे है अस्ति, ये भी एक वचन है तो कोष्ठक में जो एक वचन है वो हम लिख देंगे, तो कोष्ठक में है एक वचन सूचिका तो अपन लिख देंगे सूचिका, इस खाली स्थान में लिख देंगे सूचिका। अगला एड है इसमें है पतंती, ये बहुवचन है तो कोष्ठक में कौन सा बहुवचन है वो हम इस खाली स्थान में भरेंगे, कोष्ठक में बहुवचन है मक्षिका यानी मक्खियां, मक्षिका यानी मक्खियां, पतंती यानी उड़ती हैं। तो ये मैंने पांचवें प्रश्न के जो खाली स्थान है क ख ग घ, ये पांचों यहाँ पे लिखे हैं, आपको अपनी कॉपी में पूरा वाक्य लिखना है, मैंने जो खाली स्थान में शब्द आया है वही लिखा है, आपको ये पूरा अपनी कॉपी में लिखना है, ये हमारा पांचवा प्रश्न है। आगे छठा प्रश्न है तो उसमें क्या कह रहे हैं, छठे प्रश्न में सातेता इत्येवे उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, सातवें प्रश्न में छठे प्रश्न में क्या कह रहे हैं, सातेता ये सर्वनाम शब्द होते हैं इनको ही हमें इन खाली स्थानों में भरना है, सा एक वचन, ते द्विवचन और तह बहुवचन और ये स्त्रीलिंग के रूपों में चलते हैं, तो हमें क्या करना है, आगे ये जो सारे हैं स्त्रीलिंग है हमारे जो वाक्यों में है वो सारे स्त्रीलिंग है, तो हमें क्या करना है देखना, जैसे लता अस्ति, लता लड़की का नाम है तो सा अस्ति, इनमें से इसने लिखा है सा अस्ति, तो आगे वाला क्या है कैच, महिला धावती यानी महिलाएं दौड़ती हैं, औरतें दौड़ती हैं, तो ये बहुवचन हो गया तो हमें क्या भर देना है, सा के ता बहुवचन है तो हमें भर देना है ता, क्या में भर देना है ता, है क्या है सुधा वदती यानी सुधा बोलती है तो ये एक वचन ही है तो इसमें हमें क्या भर देना है सा, है में भर देना है सा, एक वचन जो है वो भर देना है सा वदती। अगला है जवनी के दौलत है यानी पर्दे छूते हैं, दो पर्दे जवनी के द्विवचन है तो अपन यहाँ पर दौलत है द्विवचन है और जवनी के द्विवचन है वो अपन क्या कर देंगे ते कर देंगे, गै में कर देंगे ते। घ है पिपली कहा चलंती यानी चीटियां चलती हैं तो ये बहुवचन है तो इसमें इस चलंती के आगे अपन क्या कर देंगे तहा चलंती, ये बहुवचन हो जाएगा तहा, तहा चलंती। अगला है गिड़ में चटके कूदता है, दो चिड़िया बोलती है या दो चिड़िया कूदती है, द्विवचन है तो अपन क्या कर देंगे
ते पूजते है, मृदु चिड़िया पूजती है या बोलती है। अगला अपना सातवां प्रश्न देखेंगे हम। सातवें प्रश्न में क्या है, मंजुषात कर्तृपदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषात यानी इसमें दिव्य में जो भी शब्द दे रखे हैं उन शब्दों में से लिख करके हमें ये खाली स्थान भरने हैं। तो उसमें पहला क्या है, कह है संति। संति बहुवचन है, तो इस इन शब्दों में जो भी बहुवचन है वो हम इस संति से आगे भरेंगे। इन शब्दों में बहुवचन है पुष्पमाला, यानी फूलों की मालाएं हैं। तो अपन संति से भर देंगे, पहले भर देंगे पुष्पमाला। है पश्यति, ये एक वचन है, तो इन शब्दों में से एक वचन कौन सा है वो भर देंगे हम। तो इन शब्दों में एक वचन है बालक है, बालक देखता है, बालक है भर देंगे हम पश्यति से पहले। अगले गय में है लिखति, यानी लिखती है या लिखता है, एक वचन है। तो इन शब्दों में है लेखिका, तो अपन लिख देंगे लेखिका लिखती, पूरा शब्द लिखेंगे, पूरा वक्त लिखेंगे। अगला क्या है, गर्जंती यानी गर्जना करते हैं या दहाड़ते हैं, तो अपने पास इन शब्दों में है सिंघा, यानी शेर दहाड़ते हैं, शेर गर्जना करते हैं, तो है में हम लिख देंगे सिंघा। अगला ड है चलती, यानी चलता है या चलती है, तो उसमें क्या है त्रिचक्री का, चलती एक वचन है, त्रिचक्री का यानी जिसके तीन पहिए हैं, तीन पहियों वाला जो वाहन है वो त्रिचक्री का। द्विचक्री का मतलब जिसके दो बार दो पहिए हैं वो द्विचक्री का, तो त्रिचक्री का चलती एक वचन है, त्रिचक्री का चलती। ये हमारे सातवें प्रश्न के कह है गय है और ये आपको अपनी कॉपी में पूरा वाक्य लिखना है, पूरा भरना है। आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवें प्रश्न में क्या है, मंजुषात कर्तृपदानुसारम क्रियापदम युक्त है। क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने हमें कर्ता दे रखा है और इसके आगे क्रिया लिखनी है। क्रिया मंजूषा में इस डिब्बे में दे रखे हैं और कर्ता इन्होंने किताब में लिख रखा है। तो कौन से कर्ता के सामने, कर्त्री यानी कर्ता और क्रिया यानी क्रिया, वो जो भी क्रिया कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, करने वाला जो भी काम कर रहा है, वो क्रिया हमें इन खाली स्थानों में भरनी है। तो पहला क्या है, सौम्या। सौम्या क्या कर रही है, तो इन शब्दों में से हमें एक वचन जो है सौम्या के लिए है, एक वचन भरना है सौम्या। नृत्यति एक वचन है, यानी सौम्या नृत्य कर रही है, नृत्यति यानी नाचती है। है चटके, चटके द्विवचन है, तो इन शब्दों में से द्विवचन कौन सा है, चटके विहरता है यानी चिड़ियाएं फुदकती है, दो चिड़ियाएं फुदक रही है या उड़ रही है। गय में है बालिके, ये भी द्विवचन है, तो इसके अंदर जो द्विवचन है वो भर देंगे बालिके गायत है, गय में भर देंगे बालिके गायत है। अगला घ है छात्रा, छात्रा ये है बहुवचन, तो इसमें हम लिख देंगे छात्रा। बहुवचन देखेंगे कौन सा है, लिखंती बहुवचन है, तो छात्रा लिखंती यानी बालक लिखते हैं। अगला है ड, ड भी बहुवचन है, जना यानी बहुत सारे लोग या बहुत सारे आदमी, तो जना अगले में इसमें देख लेंगे क्वेश्चन, आप इस मंजूषा में कौन सा बहुवचन है, पश्यंती बहुवचन है, तो जना के आगे लिख देंगे पश्यंती। ये हमारे आठवें प्रश्न के कै है गय घे डे ये मैंने लिखे हैं, आपको ये पूरा वाक्य अपनी कॉपी में करना है। हिंदी अनुवाद करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद में ये प्रश्न उत्तर पूरे कॉपी में करेंगे।